أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं क्योंकि बाकी अपना वक्त खो चुका हूँ और नाबे प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब के बाद इस मौजू पे मजीद शायद मैं कुछ उससे बेहतर ना कह सकूँ। मैं सिर्फ एक मिनट के लिए, मुझे तो साहब ने तीन मिनट दिए हैं, मैं एक मिनट के लिए बात करके इजाज़त चाहूँगा। सिर्फ मकसद था कि हाजिर हो जाए इस काफला के अंदर जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े मनसब, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े मनसब, जो मनसब किसी और पैगंबर को नसीब ना हुआ, यानी खत्म नबूवत, उसके तहफ्फुज़ और उसकी आबियारी के लिए चलने वाले काफले का एक मुसाफिर लिखा जाऊ। मैं कारी अब्दुल वहीद साहब ने आज से दो तीन साल पहले ड्यूटी लगाई थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हम तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के लिए काम करें, तो मैं एक बात करके इजाज़त चाहूँगा कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो एलिमेंट्री स्कूल का विंग है हमारा, उसके अंदर जो सालाना अदबी सकाफ़ती मुकाबला जात होते हैं, उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। तो मैंने इस दफ़ा डीओ साहब इज़्ज़त माब सैयद मोहम्मद एहतशाम शाह हमदानी साहब को रिक्वेस्ट की कि हम हर दफ़ा एक ही मौजू रखते हैं बच्चों की तकरीर का, और वह मौजू होता है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे नबी की सीरत का एक पहलू जो बड़ा नुमाया है वो खत्म नबूवत है। तो इस साल मेरी ख्वाहिश है, मेरी रिक्वेस्ट भी है कि मेरी तजवीज़ भी है कि इस दफ़ा मौजू खत्म नबूवत हो। तो तब टीचर हजरात मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिक्वेस्ट मानी गई। इस दफ़ा एक एक टीचर जब अपने बच्चे को एक एक स्कूल में मुकाबला हो रहा है, एक एक स्कूल में इस मौजू पर जब टीचर कहीं लिख के देगा, बच्चे को गाइड करेगा, तो पहले वो खुद खत्म नबूवत को अपने अकीदे को रिवाइज करेगा, बातें सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, और फिर उसके बाद हर स्कूल के अंदर एक एक बच्चे तक इंशाल्लाह जिला सरगोधा के बच्चे तक खत्म नबूवत का पैगाम पहुँचेगा। मैं अल्लाह की बारगाह में इल्तजा करता हूँ, ऐ अल्लाह हमारी इस काबिश को कबूल फरमा और हमारे बच्चों के दिलों के अंदर हम चाहते हैं कि खत्म नबूवत का पैगाम राशिख हो जाए। वो वाह लेना गुजर पाशा।